आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शरीर के एक एक अंग को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन्स और अन्य जरूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये सभी पोषक तत्व शरीर के अंदर जाकर अलग अलग काम करते हैं, जिससे पूरे शरीर की क्रिया सामान्य रूप से चलती रहती है। इन सभी पोषक तत्वों में से एक है विटामिन डी। विटामिन डी से इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, दिमाग स्वस्थ रहता है, हड्डियां मजबूत बनती हैं, कैंसर जैसी समस्याएं दूर होती हैं। शरीर में विटामिन डी की कमी से हड्डियों पर असर पड़ता है, दिल की सेहत से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं और भी परेशानियां सामने आती रहती हैं। आज हम एक्सपर्ट्स के जरिए, जो विशेषज्ञ हैं, उनके माध्यम से आपके तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। तो सबसे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर कविता शर्मा, जो कि फिजिशियन हैं। कविता जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विशाल गुप्ता, सीनियर फिजिशियन हैं। विशाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है श्री राजस्थान पर। नमस्कार। आज हमारे एक्सपर्ट्स आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे और हम भी उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि विटामिन्स मिनरल्स कितने आवश्यक होते हैं हमें बीमारियों से बचाने के लिए, और उनकी अगर कमी हो जाती है तो इससे जो परेशानी आती है उससे कैसे निपटा जा सकता है। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे, तमाम क्वेश्चंस लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आसान भाषा में आप तक पहुँचाने की भी कोशिश रहेगी। साथ ही अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, इन नंबरों पर आप फोन उठाइए, फोन घुमाइए और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर एक बार मैं दोहरा देता हूं, पहला नंबर 01207153826, और जो दूसरा नंबर आप देख रहे हैं वो है 01207153787। तो ये दो नंबर आप अपना सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं, आप उनसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। शुरुआत में विशाल गुप्ता जी, आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो विटामिन्स पर है, मिनरल्स पर है। ऐसे मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो विटामिन डी है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो कितना महत्वपूर्ण है मानव शरीर के लिए, और इसकी अगर कमी होती तो क्या दुष्परिणाम हमें झेलने पड़ सकते हैं सर? देखिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आज की तारीख में बहुत कॉमन है, क्योंकि हम सबकी लाइफस्टाइल बड़ी अनकॉमन सी हो गई है। हम लोग बंद कारों में चलते हैं, ऑफिस में रहते हैं, एसी का ही प्रयोग करते हैं, चाहे जो भी बंद इन्वायरमेंट, हमारा एक्सपोजर है ही नहीं सनलाइट के साथ में। तो अब चूँकि विटामिन डी जो पोषण है वो हमारे कई फूड्स में भी मिलता है, लेकिन यह है कि मेन जो एक्सपोजर है सनलाइट के साथ में, उसके साथ में हमारा चूँकि एक्सपोजर ना होने के कारण से हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो मतलब ये बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर मान लीजिए ये हो गया विशाल जी, तो इसके बाद हम इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, क्या माध्यम हो सकते हैं इसे इसको रिकवर करने के लिए, और इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं? क्योंकि जैसा कि एज यू सेड कि आजकल लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है हम लोगों की कि हम लोग जो है धूप में जाते ही नहीं हैं, हम घरों में रहेंगे, एसी गाड़ियों में रहेंगे, एसी दफ्तर में काम करेंगे, फिर से एसी गाड़ी में बैठेंगे, फिर एसी कमरे में पहुंच जाएंगे। अब ऐसे में ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है? देखिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण से जो सबसे मुख्य चीज़ें जो हमें महसूस होती हैं, थकावट, वीकनेस, टायर्डनेस, पैरों में दर्द, हड्डियों में पेन होता है, अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो फ्रेश नहीं फील करते, टायर्ड फील करते हैं, हील्स में पेन होता है हमारे, इवन हमारे को नींद अच्छे से नहीं प्रॉपर आती है, स्लीपी स्लीपी सा फील करते हैं। तो ये सारे जो मुख्य कारण हैं जो हमें महसूस होते हैं और जो हमारे लाइफ के लिए बड़ा ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है, दिनचर्या वर्क के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, लौटूंगा और भी आप आगे आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन कविता जी, कविता जी भी हमारे साथ कनेक्ट है। कविता जी, आपका टेक क्या है इस पर, क्योंकि हम विटामिन्स की बात कर रहे हैं, विटामिन्स तो जाहिर तौर पर हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन विटामिन डी की भूमिका कितनी ज़्यादा अहम होती है, और जो लापरवाहियाँ आजकल हम लोग करते हैं, जिस तरीके से हम लोग अभी लगातार इसकी बात भी कर रहे हैं, इन सभी पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा मैम। कविता जी, जी देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने आपने सरणी में हमें बताया कि जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत बदल गई है, जी, तो विटामिन सन एक्सपोजर नहीं होता तो विटामिन डी सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होता है, और अगर हम बाहर धूप में निकलते भी हैं तो हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं, या फिर जो एरिया कवर नहीं कर पाते हैं उस पर हम काफी मात्रा में सनस्क्रीन लगा लेते हैं,
जो अल्ट्रावायलेट रेस को प्रिवेंट करता है और वो विटामिन डी के सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है। तो विटामिन डी जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है, इनफैक्ट इसको हार्मोन भी कहा जाता है एक तरह से। ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस के अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कैल्शियम हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो जिन लोगों को डेफिशिएंसी होती है उनको, जैसे सर ने बताया, जनरलाइज वीकनेस, थकान, ये सब रहती है। इसके अलावा उनको क्रॉनिक बैक पेन, मसल वीकनेस, उठने में दिक्कत होना, जो ये है हमारे कंधे और जो थाई मसल्स हैं उनमें वीकनेस फील होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी जो है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारा जो इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, हम बार बार इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो जाते हैं, और उनमें भी स्पेसिफिकली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस हैं, जैसा कि आपने COVID-19 में भी देखा होगा कि विटामिन D3 की बहुत ही डॉक्टर्स ने एम्फेसिस किया था विटामिन डी की डोजेस लेने के लिए, क्योंकि जो विटामिन डी है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में बहुत हेल्प करता है। तो उस वजह इसीलिए विटामिन D3 की कमी से ये कितना महत्वपूर्ण है आपने मैम बताया, लेकिन इस पर मैं आगे आपसे समझूंगा कि इसके और सोर्सेस क्या क्या होते हैं जिससे हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ कॉलर्स में हम लगातार जुड़ रहे हैं, विशाल जी कई सारे कॉलर्स आ रहे हैं, मैं कुछ कॉलर्स का फोन लेना चाहूंगा। कृपया करके आप अपना नाम बताएं और आपका जो भी प्रश्न है आप हमारे फिजिशियन से, सीनियर डॉक्टर से पूछ सकते हैं। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो भी कॉलर्स आ रहे हैं, मैं मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी कॉल करें तो थोड़ी देर बने रहिए, उसके बाद क्योंकि हम आपसे प्रश्न लेंगे और उसके बाद में आपके प्रश्नों का जवाब भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे हमारे फिजिशियंस से। कविता जी मैं चाहूंगा अपनी बात पूरी कर लीजिए तब तक। जी बिल्कुल, मैं कह रही थी कि इसीलिए कि एक तो हमारी इम्यूनिटी के लिए भी विटामिन डी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो विटामिन डी है हमारी जो हार्ट और ब्रेन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे बीपी को मेंटेन रखने में अलोंग विद द कैल्शियम हेल्प करता है। तो विटामिन D3 की कमी से हार्ट अटैक के रिस्क भी होते हैं, स्ट्रोक के रिस्क भी होते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन का भी एक कॉज विटामिन डी की डेफिशिएंसी माना गया है। देखा गया कि कई सारे डिप्रेस जो लोग फील करते हैं, स्पेशली सीजनल डिप्रेशन के लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। इसके अलावा हेयर लॉस है, फटीक है, जैसे पहले बोला, इन सब में ये सब जो सिम्टम्स हैं जो हमें डायरेक्टली समझ नहीं आते हैं, पर इन सब की कमी के, इन सब के पीछे विटामिन डी की कमी एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है। बड़ी अहम चीज़ आपने बताई, क्योंकि इसमें लगभग लगभग सब कुछ कवर हो गया, इवन हार्ट अटैक तक का जिक्र आपने किया, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जस्ट ओनली बिकॉज की विटामिन डी है तो भाई कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, कृपया करके आप अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए सर। नमस्कार जी, मैं करण बोल रहा हूँ। जी जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे बाजू में दर्द हो रही थी, तो दर्द ऐसा था कि मतलब बाजू हिलता नहीं था, दाएं बाएं नहीं होता था जी, तो इसका कारण क्या विटामिन डी रहता होगा? विशाल जी, जी देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की नेसेसिटी होती है। अगर आप दूध पी रहे हैं या कहीं से कैल्शियम अलग से लेके खा रहे हैं, लेकिन वो बोन में एब्जॉर्ब ही नहीं होगी अगर आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। तो विटामिन डी इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिसके कारण से आपको ये पेन हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, अपना ब्लड टेस्ट में विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए ब्लड टेस्ट होता है, और एक एक्सरे कराइए और अपने किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन या किसी फिजिशियन को आप दिखाएं, तो डेफिनेटली आपको उससे रिलीफ मिलेगा। ठीक है विशाल जी, चूंकि इन्होंने जो प्रश्न पूछा, अब जाहिर तौर पर आपने जो वजह बताई वजह बहुत लाउड एंड क्लियर है कि भाई आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, इसकी वजह से आपको इस तरीके की चीज़ें हो रही है, लेकिन इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी होती है कि वो चाह कर भी ज़्यादा देर नहीं दे सकते कि वो धूप में बैठ सके। अब ऐसे में इस प्राकृतिक चीज़ के अलावा हम किस तरीके से जो है इस डिफिशेंसी को कम कर सकते हैं और उसको कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, अब फोर्टिफाइड फिश, जो फैटी फिश होती हैं, 45 सीरियल्स होते हैं या 45 डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कि अलग से विटामिन्स मिले हुए होते हैं, इन सब का सेवन हम कर सकते हैं। खासकर मशरूम हो गया, मशरूम में भी थोड़ा विटामिन डी होता है। आपका मिल्क जो है वो मैंने बताया ही, फोर्टिफाइड मिल्क में विटामिन डी, आलमंड्स में विटामिन डी होता है, सी फूड में विटामिन डी होता है,
अब चूंकि हमारा कुकिंग जो स्टाइल है बेसिकली, कई बार हम उसको इस टेम्परेचर पे, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे और इतने समय तक हम उसको कुक कर देते हैं, तो हमारा कई बार विटामिन्स का लॉस हो जाता है. तो मोस्टली देखा गया है कि हमें एट लास्ट डिपेंड होना पड़ता है फिर मेडिसिन के ही ऊपर. ठीक ठीक, एक और कॉलर हमारे साथ है, कृपया करके आप अपना नाम बताएं और आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं. आशा जी, प्रश्न पूछिए सर अपना. मैं ये पूछ रही, मेरी हड्डियों में दर्द रहता है हल्का हल्का. ठीक है, आपके हड्डियों में दर्द रहता है आप ये कह रहे हैं? हाँ, ऐसा हल्का फुल्का दो चार दिन से हो रहा है. ठीक है कविता जी, ये कारण क्या होता है कि आमतौर पर ऐसी शिकायतें बड़ी नॉर्मल सी हो गई, अभी आपने भी जिक्र किया कि जॉइंट्स में पेन, हड्डियों में दर्द, क्या इसका बहुत बड़ा कारण क्या हो सकता है? और जैसा कि अभी ये साहब ने सवाल पूछा, तो इनको आप क्या सजेस्ट करेंगी कविता जी? बिल्कुल, ये जो हड्डियों में दर्द है, जो एक नॉन स्पेसिफिक पेन रहता है, कई पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, स्पेशली जो एल्डरली लोग होते हैं, बड़े बूढ़े लोग होते हैं, उनमें ये जो पेन जो रहता है, इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है. तो डेफिनेटली इनको अपने बॉडी के विटामिन डी लेवल चेक कराने चाहिए, और अगर डेफिशिएंसी है तो इनको फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है. विटामिन डी के अलावा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कैल्शियम इज द मेन जो है मिनरल जिसकी जरूरत है, और विटामिन डी उसके अब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है. तो कैल्शियम और विटामिन डी थ्री का जो सप्लीमेंट है वो इनको डेफिनेटली बहुत फायदा देगा. मैम एक चीज़, मेरा भी सवाल था कि जब कैल्शियम की बात होती है तो आमतौर पर मैंने देखा है कि आजकल चलता है कि भाई कैल्शियम सैंडोज आप ले लें या इस तरीके के जो टैबलेट्स होती हैं, तो क्या ये कारगर साबित हो सकती है? ये मैं इस पर मैं आपका रिएक्शन लूँ मैम, लेकिन कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, कृपया करके आप अपना नाम बताएं और आप अपना प्रश्न पूछिए प्लीज. हेलो जी, प्रश्न पूछिए. हेलो जी, सुन पा रहे हैं हम आपको, आप अपना सवाल पूछिए. हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे भी दोनों पैरों में और एडी में बहुत दर्द रहता है जी. मैंने अभी टेस्ट कराया तो मुझे भी विटामिन डी की कमी बताई, जिससे मुझे अब इंजेक्शन लेने पड़ते हैं. तो मुझे कितने टाइम तक लेना पड़ेगा ये इंजेक्शन? मैंने अभी दो तो लिए हैं, और ज्यादा लेने में कोई प्रॉब्लम है या मुझे और ज्यादा लेना चाहिए? तो मैं पूछना चाहते हैं. विशाल जी क्या कहेंगे? देखिए, जो इंजेक्शन की बात आप कह रहे हैं वो मुझे क्लियर नहीं है कि वो इंजेक्शन विटामिन डी का है या ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो हम इंजेक्शंस देते हैं उसके लिए. बिकॉज जब ब्लड में अगर विटामिन डी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, आमूमन तौर पे हमने देखा है कि 10 के नीचे अगर वैल्यू होती है, तो हमें चूँकि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, तो हमें इंजेक्टेबल ही देना पड़ता है. दैट इज़ एराकिटॉल नाम से एक इंजेक्शन आता है, वो हम सिर्फ एक सिंगल डोज में इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद ओरल मेडिकेशन में शिफ्ट कर देते हैं, चाहे वो पाउच के फॉर्म में हो, चाहे वो शॉट्स के फॉर्म में हो, पाउडर्स के फॉर्म में हो. आप जिस इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, शायद ऑर्थोपेडिक सर्जन ज़्यादा बेटर आपको बता पाएंगे जो प्रॉब्लम आपको है उससे रिलेटेड, कि वो कितने इंजेक्शंस लगेंगे. ठीक है कविता जी, एज ग्रुप की बात करना बेहद ज़रूरी है कि ये जो कमियां होती हैं, जो ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है, वो किस एज ग्रुप के लोगों पर ज़्यादा असर डालता है? क्या आज जो यंगस्टर्स हैं उनको भी इस तरीके की कमी अगर होती तो ज़्यादा दुष्परिणाम उनको झेलने पड़ सकते हैं, या फिर एक एज ग्रुप फिक्स है कि भाई इसके बाद के लोगों को विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, जो विटामिन डी है वो वैसे तो हर एज ग्रुप के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनके जो हमने जो देखे ये जो इफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी सिस्टम को, बट मेनली बच्चों में जो ग्रोइंग फेज होता है उनमें विटामिन डी थ्री, और एक जो एल्डरली पीपल है जो उसकी डेफिशिएंसी के लिए प्रोन होते हैं. तो इन दोनों एज ग्रुप में हमें थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है. इनमें अगर जरूरत भी पड़ती है तो हमें जो एक एडल्ट नॉर्मल एडल्ट पॉपुलेशन के लिए जो हम डोज देते हैं उससे ज्यादा डोज हमें बच्चों में और एल्डरली पीपल को देनी पड़ती है. बच्चों का ग्रोइंग फेज होता है, हड्डियों का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इनके लिए बच्चों के लिए विटामिन डी थ्री एडिक्वेट डोज में देना बहुत जरूरी है. जैसे कि आजकल रिकमेंडेशंस है, जैसे न्यू बॉर्न्स होते हैं, जो बच्चे नए पैदा होते हैं, वो जो सिर्फ मदर ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं जिसमें कि विटामिन डी नहीं होता है, तो उनको स्पेसिफिकली सप्लीमेंट्स बच्चों को 400-800 इंटरनेशनल यूनिट के डेली बच्चों को 1 साल तक, और नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो 2 साल तक भी उनको विटामिन डी के सप्लीमेंट देना पड़ता है. तो बच्चों में और एल्डरली लोग जो
अपनी इमोबिलिटी की वजह से सनलाइट में ज्यादा नहीं जा पाते हैं या जिन लोग डाइट भी ज्यादा नहीं ले पाते हैं, तो इसीलिए बच्चों और एल्डरली ग्रुप में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उनमें वैसे भी कैल्शियम लॉस, स्पेशली महिलाओं में, ज्यादा एज की महिलाओं में भी हड्डियां वैसे भी मेनोपॉज के बाद में हड्डियां नेचुरली भी एस्ट्रोजन की कमी से कमजोर होती जाती है, तो उनमें हमें कैल्शियम और विटामिन डी का एडिक्वेट सप्लीमेंट देने की जरूरत होती है। ठीक है, हमारे साथ कई कॉलर्स लगातार कॉल कर रहे हैं, कृपया करके आप अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। जी मैं विवेक बोल रहा हूँ जी। जी आपको सोते सोते जैसे नस पलटती ना डॉक्टर साहब, तो पूछना चाहूंगा उसकी वजह क्या है। विशाल जी क्या ये जो सवाल पूछ रहे कि नस पलट जाती है, क्या मैं समझा नहीं, क्या क्या देखिए इसका जो मुख्य कारण जो मुझे समझ में आ रहा है आपके क्वेश्चन को देख करके, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ज्यादा रिलेटेड लग रहा है। अच्छा, तो आप अपना ब्लड टेस्ट में अपना विटामिन डी और B12 दोनों का ही टेस्ट करवाइए, और जिसकी भी डेफिशिएंसी हो उसका आप ट्रीटमेंट लीजिए, आपको पक्का रिलीफ मिलेगा। ठीक है कविता जी, जब विटामिंस की बात होती तो हम आज क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं विटामिन डी की, लेकिन बाकी विटामिन्स की भी मैं बात करूंगा, जैसा सर ने बताया कि B12 की वजह से इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। एक और कॉलर ने बिटवीन जुड़ गए हैं, कृपया अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। सवाल पूछिए सर। हेलो आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। हाँ सवाल पूछिए। बॉडी में आपके पेन रहता है, आप ये कह रहे हैं दर्द रहता है। दर्द रहता है बॉडी में, मेरी बॉडी है मेरी, मोटा नहीं होता मैं, इसलिए खूब खाता हूँ पीता हूँ। ठीक है कविता जी, एक तरीके से डाइट से संबंधित प्रश्न कह सकते हैं, जो खाते पीते हो लगता नहीं हो, बॉडी में पेन रहता है, इसका कारण क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू कविता जी? देखिए कई बार पेशेंट्स को लगता है कि हमारी डाइट एडिक्वेट है या होती भी है, तो भी जैसे अगर उनको बॉडी में पेन रहता है, तो कई बार हमारे जो इंटेस्टाइन जो हमारी आंतें होती हैं, कई बार हम खाना लेते हैं प्रॉपर, लेकिन कई बार आंतों की प्रॉब्लम की वजह से वो प्रॉपर न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब नहीं हो पाता है, तो उस वो भी एक कारण हो सकता है कि अच्छी डाइट के बाद भी अगर अब्सॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो तो भी फिर वो न्यूट्रिएंट्स की विटामिन्स की डेफिशिएंसी रह सकती है, तो इनको एक बार फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि डिस्पाइट प्रॉपर डाइट, और समटाइम जो विटामिन डी की अगर हम बात करें तो वो डाइट से कई बार जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा अलग से भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो इनको अपने एक बार फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। अगले कॉलर आप अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए, और आपसे निवेदन है कि आप अपने पास की जो टीवी आपके यहाँ चल रही होती है उसको वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि इससे आवाज में दिक्कत आती है। अपना आप सवाल पूछिए। मेरा नाम है मोहम्मद अल्ताफ जी, जीडोना शहर से बोल रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ मैम से, मैम जब विटामिन डी की कमी होने के कारण हमारे सभी रोग दर्द होने लग जाता है। ठीक है जी बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ मेन से, जब विटामिन डी की कमी होने से हमारे हाथ पर दुखने लग जाए, इसका उपाय बताइए। इसका उपाय है कि आप अपना विटामिन D3 लेवल एक बार चेक कराइए कि आपको कितनी कमी है, और मतलब उसके लेवल पे डिपेंड करेगा कि आपको कि आप डाइट वगैरह से कंप्लीट हो सकती है आपकी रिक्वायरमेंट, या फिर आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना विटामिन D3 का लेवल, विटामिन डी का लेवल चेक कराइए, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपको प्रेस्क्राइब कर देंगे टैबलेट्स या इंजेक्शन जो जिसकी भी आपको जरूरत होगी। विशाल जी बड़े पैमाने पर लोग हमको कॉल कर रहे हैं, मैं चाहूंगा फटाफट जितने ज्यादा कॉल हो पाए उतने हम रिसीव कर पाए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं हमारे शो को। अगले कॉलर कृपया करके आप अपना नाम बताइए और अपना आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछिए सर। शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। विशाल जी हम लोग लगातार विटामिन्स की बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा, वो आपने बताया ना विटामिन B12 के बारे में, वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नसें पलट जाती हैं, तो क्या ये इसकी बहुत ज्यादा तकलीफ जब होती लोगों को तो इससे कैसे बचा जा सकता है? लेकिन इस पर मैं प्रतिक्रिया लूं, कॉलर कनेक्ट हो गए हैं, कृपया अपना नाम बताइए प्रश्न पूछिए जल्दी से, समय सीमित है। मेरा नाम गुलाम खान, टीवी वाइस फॉर्म से।
जी सवाल पूछिए। कलेजे में जलन बहुत हो रही है, सुबह शाम दो टाइम कैप्सूल लेने के बावजूद भी अगर एक टाइम यूज कर देंगे तो बहुत ज्यादा जलन होती है, अगर इसका कोई इलाज हो तो डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा मैं। विशाल जी क्या कहें? देखिए जैसा ओल्ड एज पेशेंट्स के केस में जो मैडम ने जैसा बताया, क्रॉन्स डिजीज इज वन ऑफ द डिजीज जिसके कारण से बॉडी के अंदर खाना पीना जो हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है और उसके कारण से विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है बुजुर्गों में खासकर, चाहे वो अच्छा खाना पीना ले। मैल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर बिकॉज ऑफ विटामिन डी। ऐसे में आपको कैल्शियम अपना लेना चाहिए सप्लीमेंट, साथ में विटामिन डी लेवल चेक करा करके उसकी मेडिसिंस भी प्रॉपर तरीके से लेंगे तो आपको ज़रूर उससे निजात मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द लेवल इट डिसाइड कि आपका विटामिन डी का ट्रीटमेंट कब चलेगा, कितना चलेगा और कौन कौन सी चीज़ें हम दे सकते हैं। अगर बहुत लेवल, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर विटामिन डी का लेवल बहुत कम है तो हमें इंजेक्शन का भी यूज़ करना पड़ता है, चाहे वो सिंगल शॉट हो। और बाकी मार्केट में कई टाइप के विटामिन डी के प्रोडक्ट्स आ गए हैं लाइक शॉट्स एंड पाउडर्स ऑल्सो। ठीक है, अगले कॉलर आप अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। सवाल गुप्ता, सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम। सर मेरे है ना गठिया का रोग हो रहा है तो इतनी घुटनों में इतनी सूजन आती है और माधव विलास से मैं वो दवाई भी ले रही हूँ, उससे क्या है ऐसा, और विटामिन डी की कमी है तो क्या लें? मैडम जो घुटनों में सूजन की बारे में बात कर रहे हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सूजन नहीं होती है, कोई और अदर फैक्टर होगा उसमें। आप अपने एक बार ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट कीजिए, आप उसके घुटने का MRI एक्सरे कराइए। रही बात विटामिन डी डेफिशिएंसी की, ब्लड टेस्ट जब आप कराएंगे तो उसमें जो भी विटामिन डी का लेवल आएगा उसके अकॉर्डिंगली कैल्शियम एंड विटामिन डी का हमें सप्लीमेंट आपको ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जरूर जाइए और आर्थराइटिस चेक कराइए, कहीं आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं है, ये भी चेक करवाइए। अगले कॉलर आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हम सुन पा रहे हैं आपको, आप सवाल पूछिए अपना। कुछ तकनीकी खामी लग रही है मुझे, एक बार उनसे फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन कविता जी, कैल्शियम के क्या बेहतर सोर्स हो सकते हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका पालन कर पाए। कैल्शियम का जो एक मेन सोर्स हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में है, मिल्क एंड मिल्क से बनी हुई चीजें जो भी हैं, दही है, छाछ है, पनीर है, रसगुल्ले हैं, ये मेनली हमारा कैल्शियम का सोर्स है। इसके अलावा जो बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, दे आर आल्सो सोर्स ऑफ कैल्शियम। सो मेनली हमें ये डाइट से कैल्शियम जो है हमें एडिक्वेट इनटेक रखना चाहिए। और उसके अलावा फिर भी अगर डेफिशिएंसी पाई जाए तो फिर डिफरेंट मतलब कैल्शियम के बहुत सारे फॉर्मूला टैबलेट्स अवेलेबल हैं जो आपके डॉक्टर आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बड़ी चीज़ बताइए आपने। विशाल जी मैं आपका रुख करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप बाकी विटामिन्स के बारे में अगर संक्षेप में बता पाएं कौन से विटामिन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किसकी कमी कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। विशाल जी देखिए, वैसे जो मुख्य विटामिन्स होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें विटामिन B1, B2, B3, B6 एंड B12 वगैरह आते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को मेंटेन करती हैं। इनमें से किसी भी विटामिन की कमी के कारण से हमारा नर्वस सिस्टम वीक होता है, हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है, नस चढ़ना जिसे हम लोग कहते हैं, ये एक उसका मुख्य कारण देखा गया है जिसके कमी के कारण से नस चढ़ने वाली कंप्लेंट्स बताते हैं पेशेंट्स। और बाकी मेंटल फॉगिंग, स्ट्रेस, जो ये सारे रिलेटेड फैक्टर्स हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण से कई बार देखा गया। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए जो खाना पीना हम बता रहे हैं कि वो ज़्यादातर जो पाया जाता है, जैसे आपका फैटी फिश हो गया, सी फूड हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एलमंड्स हो गए, इन सारी चीज़ों में विटामिन डी की मात्राएं होती हैं जिस और उसको सेवन करने से हमारी डेफिशिएंसी दूर होती है। बाकी सन एक्सपोजर वो हमें करते रहना चाहिए, जितना भी समय मिले उससे हमारी कमी पूरी होगी।
ठीक है कविता जी, मैं आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। हमारी जो डाइट होती है, जो हम खाते पीते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण होता है और इस पर हमें कितना ध्यान देने की आवश्यकता है इन बिटवीन, अगर हम बात करें विटामिन्स एंड मिनरल्स की, तो ये कितना अहम है कि हम क्या क्या बेहतर तरीके से डाइट लें ताकि हमें इन मेडिसिन की तरफ ना जाना पड़े, इंजेक्शन की तरफ ना जाना पड़े। देखिए, डाइट डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारी डे टू डे विटामिन एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को कम्प्लीट करने के लिए। हमें बहुत सारे जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने भी बताया था, इन ये विटामिन्स के अच्छे सोर्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। विटामिन डी के लिए स्पेसिफिकली सनलाइट एक्सपोजर जो है वो, जैसे कि अगर आप दिन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं बैठना, अगर आप 20 मिनट भी अपनी एक्सपोज्ड बॉडी के साथ अगर आप सनलाइट में बैठते हैं तो भी विटामिन डी थ्री की जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट है आपकी वो कंप्लीट हो सकती है उससे। सो हमें स्टार्टिंग से ही थोड़ा, हमें मतलब जैसे अभी आज आपको पता चला, तो अगर आज से भी अगर हम थोड़ा ध्यान रखें तो भी हम हमारी जो डेली की नीड्स है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जस्ट डाइटरी सोर्सेज, थोड़ा विटामिन डी के लिए डाइटरी सोर्सेज इतने ज्यादा नहीं है, स्पेशली वेजिटेरियन लोगों के लिए, इसलिए कई बार टैबलेट्स, मतलब इट्स ऑल अप टू अस मैम कि हमें खुद का अपना ध्यान रखना है और हमें क्या फूड लेना है, कैसी लाइफस्टाइल हम चुनते हैं उसके आधार पर ही हमारी चीज़ें आगे बढ़ती है, हमारी हेल्थ उस तरीके से आगे बढ़ती है। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। कविता जी बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। डॉक्टर विशाल गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के। तो विटामिन डी कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर हमने की बात, हमें फिक्र है आपकी। में आज के लिए बस इतना ही, हम सभी को इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ये कैसा पोषाहार।